अब हम एक ऐसी टर्म के बारे में समझने वाले हैं, सिंपल है, मतलब ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट ऐसा वर्ड जो सिर्फ टैक्सेशन वाला पर्सन समझ पाता है, SSC। जब ये वर्ड आप किसी नॉन टैक्सेशन पर्सन से बात करेंगे ना, तो उसको समझ में नहीं आता है व्हाट इज SSC। और किसी भी टैक्स वाले पर्सन से बात करेंगे या जिसको थोड़ी सी भी टैक्स की नॉलेज होगी, तो वो पर्सन ना ऐसे कहेगा SSC नहीं पता है आपको, इट्स वेरी कॉमन वर्ड। SSC कौन है? आप। हम SSC है, यस आप SSC है, मैं SSC हूँ, सब SSC है। मतलब SSC means any person who is liable to pay any tax, जिसको भी टैक्स पे करना है वो SSC है। जिसके ऊपर भी टैक्स की लाइबिलिटी आ गई ना, वो कौन हो गया? SSC हो गया। हाँ, अभी आप कुछ अर्न नहीं कर रहे हो, अभी एज अ स्टूडेंट हो तो बात अलग है, अभी आप SSC नहीं बने हो, बट जैसे ही लाइबल हो जाओगे ना तो SSC। देखा जाए तो SSC अब भी मैं आपको कह सकता हूँ कि आपके ऊपर टैक्स एप्लीकेबल है, इनकम टैक्स, हाँ लाइबिलिटी नहीं आ रही है, ठीक है। और एक बात बहुत ध्यान से अभी समझ लो, जैसे इनकम टैक्स आप सीख जाओगे ना, पूरा एडवांस कोर्स इनकम टैक्स का, तो उसमें आप रजिस्ट्रेशन, इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशन, रिटर्न फाइलिंग सीख जाओगे, उसके बाद से ही अपनी अपनी फैमिली के हर एक मेंबर की, डजंट मैटर कौन है, जिसके पास भी पैन कार्ड अवेलेबल है, ठीक है, पैन कार्ड नहीं है तो पैन कार्ड अप्लाई करवा देना, क्योंकि उसके बेसिस पे आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हो। हर किसी की आप रिटर्न फाइल करना स्टार्ट कर देना, भले ही आपकी इनकम जीरो है, ठीक है, नहीं अर्न कर रहे हो तब भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना। मैं एक एक करके सारे रीजन बताऊंगा क्यों फाइल करना और उससे कैसे फायदा। जब सीख जाओगे, पैसे तो किसी को देने ही नहीं है ना, अब प्रैक्टिस भी हो गई आपकी। GST में दिक्कत आती है, GST में दिक्कत क्या आती है, वहां पे रिटर्न फाइल करने के लिए आपके पास कुछ क्लाइंट का डेटा नहीं है तो आप प्रैक्टिस नहीं कर पाते। इनकम टैक्स में आप खुद अपना रजिस्ट्रेशन करो, अगर नहीं है फैमिली मेंबर का, ब्रदर सिस्टर मदर फादर जिसका भी नहीं है रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, उसके बाद रिटर्न भी फाइल कर सकते हो, टैक्स वाली और नील रिटर्न जैसे भी आपको करना है उस तरह की रिटर्न फाइल कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे प्रैक्टिस का स्कोप भी आपके पास अवेलेबल रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत फायदे होते हैं रिटर्न फाइल करने के बिना इनकम के भी, तो सब समझेंगे। चलिए अभी SSC का मतलब समझ में आया ना, जिसके ऊपर टैक्स लायबल है, लायबिलिटी आ रही है जिसके ऊपर, सो वो क्या हो गया? SSC हो गया। एवरी पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ होम एनी प्रोसीडिंग हैज बीन टेकन फॉर द असेसमेंट ऑफ इनकम लॉस एंड रिफंड। सर ये तो बिल्कुल समझ में नहीं आया, ये तो ऊपर से चला गया। देखो पहला तो उन्होंने कहा जिसके ऊपर टैक्स एप्लीकेबल हो जाता है वो, ये दूसरे वाले में पता है क्या कहा, एनी पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ होम, जिसके ऊपर ना एनी प्रोसीडिंग हैज बीन टेकन, मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कोई प्रोसीडिंग करी है। प्रोसीडिंग मतलब किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन रेज करा है या कोई केस चल रहा है, एक सिंपल लैंग्वेज में बोल देता हूँ तो प्रोसीडिंग को कहीं ना कहीं मैं केस से रिलेटेड कह सकता हूँ, ठीक है। अब ये मान के चलो कि आपने इनकम टैक्स में अपना रजिस्ट्रेशन ही नहीं करा रखा है, आप रिटर्न ही नहीं फाइल करते हो, आप कह दोगे कि मैं तो SSC नहीं हूँ, मेरे ऊपर तो टैक्स एप्लीकेबल ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। कल को वहां से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आ गया, उन्होंने कहा अरे भैया आपके अकाउंट में 5 करोड़ रुपए पड़े, कहां से आए? अभी SSC बन गए आप, क्यों? अब आप SS हो रहे हो, आपके ऊपर क्या हो रहा है, टैक्स की इम्प्लीकेशन आ गए थे तो पहले भी SSC, बट पहले आप अपने आप को रिवील नहीं कर रहे थे, अभी तो रिवील भी हो गए कि भाई 5 करोड़ रुपए पड़े हैं, कहीं ना कहीं से आए हैं जो टैक्स भी नहीं पे करा जिसके ऊपर, ठीक है। सो तो आप क्या कहलाओगे? SSC कहलाओगे। डीम्ड SSC लीगल रिप्रेजेंटेटिव आ जाता है। देखो मेन मेरे लिए SSC का मतलब है मेन पहले वाला, जो मतलब बंदा टैक्स पे कर रहा है ना, डे टू डे लैंग्वेज में जो टैक्स पे कर रहा है, जो अपनी रिटर्न फाइलिंग कर रहा है, जो इनकम टैक्स के अंदर कवर्ड हो गया, उसको मैं SSC कहता हूँ। ये पहला, ये डिटेल्ड वाली बात हो गई। लीगल रिप्रेजेंटेटिव, अगर कोई पर्सन है जिसकी डेथ हो गई या डेथ के आसपास, मतलब उसका कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव है जिसके पास वो सारी प्रॉपर्टी जाएगी और जो उसके सारे जितने भी मतलब एसेट लाइबिलिटीज वगैरह जो कुछ भी होगी उसकी प्रॉपर्टी को हैंडल करेगा या उसको रिप्रेजेंट करेगा लीगली, तो वो भी अंदर कवर हो जाता है, क्योंकि भाई अभी उसको टैक्स पे करना पड़ेगा ना, उसको भी पूरा अपना हिसाब देना रहेगा, तो वहां पे भी कवर हो जाते हैं। SSC इन डिफॉल्ट यहाँ पे हो जाता है कि जो ना TDS कटनिंग, ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, TDSB कैपिटल है, ठीक है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, समझेंगे TDSB। सो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स अगर किसी ने TDS कट नहीं करा ना, तो वो भी इनकम टैक्स के अंदर SSC कहलाएगा, डिफॉल्टेड SSC कहलाएगा। तो TDS की लाइबिलिटी होती है कि वहां पे आपको क्या करना होता है, सामने वाले पर्सन का टैक्स पहले डिडक्ट करना होता है। अगर आप में से जो भी सैलरी एम्प्लॉयड होंगे, मतलब आप कहीं पे जॉब करते होंगे और आपकी इनकम टैक्सेबल स्लैब में आ रही होगी, तो आपने TDS का नाम जरूर सुना होगा। आपने TDS में भी हो सकता है कट भी होता हो, डिडक्ट होता हो मीन्स, या फिर डिडक्ट नहीं भी होता है ना, तो ऑफिस में से वो एम्प्लॉयर कहता है कि भाई TDS की बात हुई होगी,
तो टीडीएस की जब भी बात हुई होगी तो वर्ड तो सुना होगा, मीनिंग पूरा डिटेल हम इसको बाद में टाइम टू टाइम कवर करते चलेंगे। तो एसएससी समझ में आया ना, आज से आपका नाम, आपका नाम नहीं, आज से आपका नाम क्या, एसएससी। ठीक है, जब तक हम इनकम टैक्स पढ़ रहे हो आप कौन, एसएससी, मैं कौन, एसएससी। सो आज से एक नया नाम, एसएससी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक।